भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। दियो हो जाओ तैयार, हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार। अर्पित कर दो तन मन धन, अर्पित कर दो तन मन धन। मांग रहा बलिदान वतन, मांग रहा बलिदान वतन। अगर देश के काम न आए तो ये जीवन बेकार, अगर देश के काम न आए तो जीवन बेकार। तो ये जीवन बेकार साथियों, तो ये जीवन बेकार, तो ये जीवन बेकार साथियों, तो ये जीवन बेकार। हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार, हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार। सोचने का समय गया, सोचने का समय गया। उठो लिखो इतिहास नया, उठो लिखो इतिहास नया। बंसी छोड़ो हाथों में उठा लो हथियार, बंसी छोड़ो हाथों में उठा लो हथियार। हाथों में उठा लो हथियार साथियों, हाथों में उठा लो हथियार, हाथों में उठा लो हथियार साथियों। हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार, हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार। तूफानी गति रुके नहीं, तूफानी गति रुके नहीं। शीस कटे पर झुके नहीं, शीस कटे पर झुके नहीं। उठे हुए माथे के सम्मुख ठहर न पाती हार, उठे हुए माथे के सम्मुख ठहर न पाती हार, ठहर न पाती हार साथियों, ठहर न पाती हार, ठहर न पाती हार साथियों, ठहर न पाती हार। हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार, हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार। कांप उठे धरती अंबर, कांप उठे धरती अंबर। और उठा लो ऊंचा स्वर, और उठा लो ऊंचा स्वर। कोटि कोटि कंठों से गूंजे भारत की जयकार, कोटि कोटि कंठों से गूंजे भारत की जयकार, भारत की जयकार साथियों, भारत की जयकार, भारत की जयकार साथियों, भारत की जयकार। हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार। अर्पित कर दो तन मन धन, अर्पित कर दो तन मन धन। मांग रहा बलिदान वतन, मांग रहा बलिदान वतन। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। तो सबसे पहले हम प्रदेश अध्यक्ष श्री मोहनलाल ठाकुर का स्वागत करते हैं, उनको टोपी पहन के स्वागत करते हैं। उसके लिए प्रधान श्री संजय चौहान को आमंत्रित करता हूँ। अब दिखता भी को
ਸਿੰਘ ਚੰਦ ਸ਼੍ਰੀ तो सर्वप्रथम मैं श्री मोहन ठाकुर प्रदेश अध्यक्ष का स्वागत करता हूँ जो हमारे बीच में आने का समय निकाला। हम कई दिनों से इसकी बात श्री वीर सिंह वर्मा जी से करते रहे, तो आखिरकार इन्होंने जो हमारी प्रार्थना स्वीकार की और हमारे बीच में आए, इसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। तो अब मैं प्रधान नोगली यूनिट के प्रधान श्री संजय चौहान से आग्रह करूंगा कि वो अपने विचार दें। परम श्रद्धेय श्री मोहनलाल ठाकुर जी, कार्यवाही अध्यक्ष श्री नेकराम ठाकुर जी, जिला अध्यक्ष श्री सुरेंद्र शर्मा जी, जिला व उपाध्यक्ष श्री सतपाल सिंह जी, संगठन सचिव श्री उत्तम चंद जी, प्रदेश उपाध्यक्ष श्री मेहरचंद वर्मा जी, कुमार सिंह यूनिट कर्मचारी तकनीकी कर्मचारी संघ के प्रधान सर्वश्री हरवंश जी, आनी से आए तकनीकी संघ के प्रधान श्री टीकानंद जी, कुमार सिंह यूनिट के सचिव सर्वश्री संजीव जी, उप प्रधान आनी श्री हीरा सिंह जी व इस यूनिट के हमारे सचिव श्री प्रदीप जी और मेरे नव निर्वाचित सभी जो ऑफिस वीरियर है व मेरे कर्मचारी साथियों, जैसा कि आपको विदित ही है कि इससे पूर्व श्री मेहरचंद जी वर्मा के अध्यक्षता में इस यूनिट का गठन 20 मार्च 2018 को हुआ। तो यह क्यों आवश्यकता पड़ी आपके मध्य में मालूम ही है कि संगठन जो आजकल के जैसे इस युग में एक बहुत बड़ी आवश्यकता होती है हमें। जब आवश्यकता होती है तो इसीलिए निर्मित होता है, तो आवश्यकता आविष्कार की जननी है, तो इसीलिए जो है उसी का अनुरूप स्वरूप जो है हमने इस संगठन का जो है एक किया, संगठन किया। तो इसलिए सबसे पहले मैं संगठन की ओर से अपने प्रदेश अध्यक्ष जिन्होंने बहुत ही अपने व्यस्त लम्हों से बहुत ही इनके अपने कीमती समय से अपना कीमती समय हमारे बीच पधार कर हमें उत्साहित किया और हमारे उत्साह करने के लिए हमारे बीच उपस्थित हुए, इनका हम धन्यवाद करते हैं। दोस्तों, हिमाचल बिजली बोर्ड का अस्तित्व जैसे कि आपको विदित है, आने वाले समय में काफी कठिनाई आने को आ रही है। आप देख रहे हैं कि हमारे तकनीकी कर्मचारी डे बाई डे महीने कितने मतलब हमारे बीच से रिटायर हो रहे हैं, अनेकों पद हमारे खाली पड़ रहे हैं।
जबकि ऊपरला तबका जो जैसे ऑफिसर्स इससे है तो वो बढ़ाया जा रहा है, लेकिन हमारा जो निचला तबका है उसे लगातार घटाया जा रहा है। तो ये विसंगतियां जो जिस तरीके से जो ये चीजें असंतुलन हो रहा है, तो उस चीज को मैं महोदय जी से आग्रह करूंगा कि इस चीज को काफी गंभीरता से लें, ताकि स्टाफ जो हमारे कंज्यूमर को देखते हुए, हमारे काम की ये देखते हुए, कम से कम ये जो वर्कलोड है ज़्यादा कर्मचारियों पर ना पड़े, ज़्यादा से अधिक टीममेट हो, चाहे हेल्पर हो, चाहे जो अनेकों कैटेगरियाँ हैं, जो जिस तरह से ऑफिसर की एकदम से इनकी डीपीसी हो, एकदम इनको मनोनीत किया जाता है, उसी तरीके से हमारे तकनीकी जो कर्मचारियों की है उनकी भी साथ साथ ही उनका भी चयन हो जाए, जिससे कि हमारा ये कार्य स्मूथली चलता रहे। और बिजली बोर्ड जो एक बहुत ही प्रतिष्ठित विभाग है हमारे राज्य का, हमारे से पूर्व हमारे जो पहले कर्मचारी इतनी कठिनाइयों से जहां पक्षी तक नहीं जाते थे वहां तक बिजली पहुंचाई है। भावा पावर हाउस वो भी हमारे पूर्व डेली वेजेस कर्मचारियों ने उसको निर्माण किया है। आज रतन के जो स्वर्ण पद के जो अधिकारी बनते हैं SJVNL, पहले नाथवा झाकड़ी पावर कॉर्पोरेशन होता था, उसकी रूपरेखा भी हमारे बिजली बोर्ड के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने उसकी एक बुनियाद रखी थी। तो उसके तहत भी 25% के तहत हमारे कर्मचारी वहां मनोनीत होते थे, लेकिन दिनों दिन उसकी तरफ भी कोई अब कोई उसका मैनेजमेंट उसके तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा, हमें कोई उसका कोई प्रोत्साहन नहीं है, कोई उसका क्रेडिट नहीं है कि बिजली बोर्ड का भी उसका कोई अधिकार ये बनता है, हक बनता है कि उनका भी कोई ये बनता है। 25% के तहत हमारे कर्मचारी वहाँ जो सेकंडमेंट बेसिस पर गए थे उनकी जगह वो रिटायर हुए, तो पोस्टें खाली चली गई। तो इस तरह की कई चीज़ें हैं जो विसंगतियाँ पड़ी है, जो आने वाले जो चीज़ें आने वाले जो वक्त है, थोड़ा हमारा बिजली बोर्ड का अस्तित्व को बचाने की खातिर कई चीज़ें हैं, थोड़ा मैं शब्दों में इनको बांध नहीं पा रहा हूँ, थोड़ी इसके कारण ये आपसे आपको विदित है, हर चीज़ के आप विशेषज्ञ ज्ञाता है, आपको मालूम है कि क्या चीज़ें अगर क्या चीज़ होनी चाहिए। कि ये मैं आपसे आग्रह कर सकता हूँ कि जो लोग हमारे कर्मचारियों की जो हर विंग में एक जो भी इम्प्लीमेंटेशन, जो भी एक डिसीजन जो भी इनका हो, तो हर श्रेणी को हर कट ये ना हो कि जैसे दूसरी यूनियन ने कहती है एक श्रेणी को लाभ मिल जाते हैं, बाकी को कई विसंगतियाँ मिल जाती है, उनको फिर इम्प्लीमेंट करवा देते हैं, तो फिर इनका गिलस हमें फिर कठिनाइयाँ होती है वहाँ से कलेक्शन ये करने के लिए, बातें पहुँचाने की ये चीज़ें हो रही है, जो चीज़ें हैं सबको एक जेन्युइन सबको एक न्याय मिले, हमारे हितों की रक्षा हो, आत्मसम्मान हमारा बना रहे। हमारे बीच नए लड़के हैं जो आ रहे हैं, देख रहे हैं, तो काफ़ी इनके पास एक सक्षम है, पात्र है कि ये चीज़ ये समझ ये करने के लिए, तो इनके लिए भी दिनों मतलब काफ़ी इनका जो फ्यूचर है काफ़ी सिक्योर कर दिया गया है कि 3-5 साल से 3 साल आगे भी प्रयास किया जा रहा है, कि आपको 2 साल का भी करने ये प्रयास किया जा रहा है, तो भी और हमारे बीच आउटसोर्सेज के एक दो है वो, तो उनको भी अकोमोडेट करने की कोशिश की जाएगी, जो भी उनके हित है उनको ये किया जाएगा। इसके अतिरिक्त जो प्रमोशन के लिए है, जैसे टीममेट के जो है हमारे बीच, ये श्रीमती कुंता जी का एक केस है, आज ही वो केस डिस्कस करके हटे थे, आपके फेवर में वो काफी शीघ्र हो जाएगा। तो इस तरह से कई विसंगतियां हैं कि कई चीजें वेतन विसंगतियां शायद मेरे ख्याल हो चुकी है, तो उनको तो कहने को भी इनके प्रयासों तक जो इनके प्रयासों से था वो भी हो चुका हुआ है, ये भी इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं इनका।
और जो क्राइटेरिया था हमारा, क्राइटेरिया था वो भी शायद हो चुका है, इसके लिए भी हम धन्यवाद करते हैं, क्योंकि ये चीज़ें जो हमने मानने वाली थी वो पहले ही, ये जो हमारी झोलियाँ पहले ही भर चुकी हुई है, मांग इनके आगे झोली भराने की इतनी आवश्यकता नहीं है, कि हो रही है ये चीज़ें, तो फिर भी हमें संगठित होने की आवश्यकता है दोस्तों, तन मन धन से हर चीज़ से भी संगठन की मजबूती के लिए जो चीज़ें भी हमें आवश्यकता है, कि भी कभी आपको एक्शन लेने की ज़्यादा होगी, बेशक आप किसी तरीके से यू नो, पर जब एक्शन होता है हमें सेंट्रल बॉडी की जो कॉल आती है उसके आधार पर हमें जो है इनका सहयोग देना पड़ेगा, उसके लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा। तो ये चीज़ें हैं दोस्तों, बाकी विद्युत है, थोड़े हम भी नए नए हैं, थोड़े नहीं आपको ये कर पा रहे हैं, तो जितना भी कोशिश करेंगे आगे से आगे, आप लोगों में जितना सहयोग रहेगा प्रयास करेंगे आगे इस एक करने के लिए, आशीर्वाद आपका रहेगा, आपका मिलता रहेगा, आपने काफ़ी मतलब एक ज़रूरत से ज़्यादा, जैसे बोलते हैं कि भगवान के आगे हमने क्या कर दिया, सारी ये कितनी बड़ी बड़ी वेतन विसंगति थी, ग्रेड पे का ये था, कोई छोटी मोटी बात नहीं थी, बहुत बड़ी बात थी, इन्होंने जो है बड़े सुलभ तरीके से उसको सुलझा दिया है, क्राइटेरिया कम कर दिया, इससे बड़ी उपलब्धि और क्या होती है, जब 10-10 साल 15-15 साल लग जाती थी एक ही पोस्ट में ये करते हुए, इवन की कहिए तो बेचारे रिटायर हो जाते थे, एक ही पोस्ट में रिटायर हो जाते थे, वो भी आस्ते आस्ते कम हो रहा है, कि उन चीज़ों में भी ये किया। अब यही आग्रह करूँगा कि तकनीकी जितनी भी ये पोस्ट है थोड़ी थी और इनको ये करने की कोशिश करेगी, ताकि जो है इतनी स्ट्रेंथ बढ़े और वर्कलोड ना बढ़ेगी, कंज्यूमर हमारे पास ज़्यादा हो गए हैं, और इसके कंपैरिजन हमारे जो हुई है तो आपको भी कहने की जरूरत नहीं है, तो कर्मचारी भी हमारे जो तकनीकी कर्मचारी वो भी उससे कंपैरिजन अधिक से अधिक होने चाहिए, ये कुछ बातें हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं दो चार नारे लगाता हूँ, तो आप थोड़ा सहयोग दीजिए, तकनीकी संघ जिंदाबाद, 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 तकनीकी संघ जिंदाबाद, 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 इंकलाब जिंदाबाद, 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 इंकलाब जिंदाबाद, 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 मोहन ठाकुर अरे बड़ो हम तुम्हारे साथ हैं, मोहन ठाकुर अरे बड़ो हम तुम्हारे साथ हैं, जय हिंद, जय तारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष माननीय और सम्मानीय श्री मोहनलाल ठाकुर जी, कार्यकारिणी अध्यक्ष श्री नेकराम ठाकुर जी, उप प्रधान मेयर चंद वर्मा जी, जिला प्रधान सुरेंद्र शर्मा जी, संगठन सचिव पूर्ण चंद वर्मा जी, वह नोगली के प्रधान व सचिव, कुमारसन के प्रधान व सचिव, आनी के प्रधान तथा इस सभागार में बैठे हुए सभी सदस्य, मैं कार्यकारिणी की ओर से आप सबका यहाँ आने पर धन्यवाद करता हूँ। आज हमें बहुत खुशी होती है कि हमारे तकनीकी कर्मचारी एक संगठित होकर जो है हर यूनिटों में बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं, बहुत खुशी होती है। इससे पहले हमारे यूनिटों में यूनिट जो है बिखर चुके थे, बहुत समस्या आने लगी थी, क्योंकि पिछले इलेक्शनों में थोड़ा हमारी तकनीकी कर्मचारियों में थोड़े भेदभाव बढ़ गए थे, इस वजह से श्री मूललाल ठाकुर के प्रयासों से पूरे प्रदेशों का दौरा करने के बावजूद एक एक आदमी को जोड़कर आज हमारा संगठन सभी संगठनों से सबसे ऊपर, वो सभी आप लोगों की देन है, जैसे आप संगठित होते जा रहे हैं। समस्या बहुत है, समस्या का समाधान तभी होगा जब आप संगठित होंगे, बाकी आपके पास इतने अच्छे प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष जिनके समक्ष किसी भी आदमी ने अपनी कोई समस्या रखी, उन समस्याओं का निदान किया है। तो हम मेरे पास अभी कुछ पहले कुछ लोग यहाँ के बात कर भी रहे थे कि जी हमारी बड़ी भारी कन्वर्सी है, इनके सबसे पहले तो प्रधान जी आपकी नॉलेज में एक बात लाना चाहता हूँ, कुछ लोग मेरे से बात बहुत टाइम तक मिले थे, इनके
पे स्लिपों का बड़ी दिक्कत आ रही है, कभी पे स्लिप नहीं हमारे को मिलती और हमारे को यही पता लगता कि हमारी कितनी पे है क्या है, हमारे को इसका कोई साथ नहीं। अब हर आदमी मोबाइल में भी अपनी पे स्लिप नहीं निकाल सकता है, हर आदमी के पास अपने मोबाइल भी नहीं है इस टाइप के भी वो पे स्लिप निकाल सके, तो कई आदमी बेचारे इसमें असमर्थ। तो ये तो इनकी एक ऐसी क्रेंसी थी कि ये प्रधान की नॉलेज मिला, हम खुद भी बात करना चाह रहे थे, तो ये तो चलो जो मेरे माध्यम से जो है इन लोगों ने बात की है तो बनाना चाहता हूँ। बाकी प्रदेश भर में मैं प्रधान जी के साथ दौरा करता हूँ, ये तकनीक कर्मचारियों के लिए बहुत जी जान से मेहनत करते हैं, हर जगह जाते हैं, हर जगह चलते हैं आपके लिए। अगर चंबा, पांगी, भरमौर, कुल्लू, कांगड़ा, मीरपुर कहीं से भी फोन आ जाए, सवेरे चले अपने घर से उठते हैं और कमार हाउस पहुँच जाते हैं। जब तक जिस आदमी ने कोई काम नहीं दिया, जब तक वो काम करके नहीं आते तब तक शाम को ये वापस नहीं आते। कई बार तो ऐसा होता था मैं भी ड्यूटी से आता था तो प्रधान जी तब होते चले मेरे यहाँ ये मेरे पुराना काम था जो, तो ये सब चीज़ें आपके लिए। घर का काम बेचारे कुछ नहीं देते, घर का काम आपके पीछे सब कुछ देते, तो ये एक बहुत उपलब्धि होती है कि भी ये अपने कर्मचारी तकनीक कर्मचारियों के लिए इतना सहयोग करना एक बहुत बड़ी बात है। हम बाकी आप लोगों को ये चाहते हैं कि भी संगठित होकर काम करें, प्रधान सेक्रेटरी आपने जो ये भी अपने डिवीज़न लेवल स्तर की जो है समस्या है ये भी हल कर सकते हैं, इसीलिए यूनिट बनाए जाते हैं। जो काम यूनिट लेवल पर नहीं होता है उसके लिए डिस्ट्रिक्ट प्रधान, डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी, डिस्ट्रिक्ट के सदस्य बनाए होते हैं उनका काम बन जाता है, अगर उससे भी नहीं होता उसके बाद सेंट्रल बॉडी तो आपके पास बैठी हुई है, ये तो हर चीज़ का समाधान कर सकते हैं, ऐसी दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। तो आप संगठित होकर काम करो, इसी में ही हमारा तकनीक कर्मचारी का बनाइए। बाकी आज के टाइम और उस टाइम के टाइम में तो बहुत अंतर है, किसी कोई टाइम ऐसा होता था कि तकनीक कर्मचारियों को कोई भी जो है ऐसे गाँव से दिखते थे कभी ऑफिस में आने नहीं देते थे या कोई ऐसे उस तरीके की उम्मीद बात है, आज के टाइम में ऐसा तो नहीं है, वो इसलिए कि तकनीक कर्मचारी जो है आज पूरे प्रदेश में संगठित है, इसलिए हर ऑफिसर हर बाबू जो है इन चीज़ों से डरता है। तो मैं लास्ट में यही अनुरोध करता हूँ आप लोगों से कि भी संगठित होकर काम करें और सेंट्रल बॉडी का निर्देश जैसे भी इनके निर्देश हो उसके तहत काम करें, और उसके तहत आप अगर कहीं कोई किस तरीके की कोई क्या नाम आपको बुलाव आता है उस तरीके से आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इकट्ठे होकर जो है वहाँ पर पहुँचे ताकि सेंट्रल बॉडी का भी आप पूरी तरह से साथ दे सके। इसी के साथ में धन्यवाद। अब मैं जिला अध्यक्ष हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष श्री मेहर सिंह जी हमारे साथ यहाँ पर उपस्थित केंद्रीय कार्यकारिणी के श्री उत्तम जी, पूरन जी, जिला उपाध्यक्ष सतपाल जी, कुमार सैनिकाई के श्री अपने हरवंश जी, यहाँ पर उपस्थित विभिन्न इकाइयों के प्रधान, इस बात के लिए बधाई देता हूँ कि आप लोगों ने जो आज ये आयोजन किया ये बहुत ही सुंदर, इतना जिला इकाई की तरफ से भी धन्यवाद करूँगा कि इन्होंने अपना समय निकाल कर आपके कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई, इसके लिए बहुत बहुत आभारी हैं इनके। तो साथियों, जैसा कि आप लोगों की अभी नई इकाई बनी है, खैर काफ़ी टाइम बाद बनी होगी, तो हम लोग तो खैर उपस्थित अनुपस्थित महसूस कर रहे हैं अपनी किसी वजह से, तो आप लोगों को तो मैं एक ही संदेश देना चाहूँगा, निकी कर्मचारी अगर काम छोड़ देंगे तो बिजली बोर्ड का लिखा जुगा कुछ नहीं चलता, कलम चला के तो कुछ नहीं हुआ कागज़ खड़ा करके, लेकिन कठिनाइयाँ वो आपको पता ही है, पहले का समय और आज का समय आप देख रहे हैं कि बिजली बोर्ड में क्या था, बिजली बोर्ड का भी सेमी गवर्नमेंट होती थी, प्रदेश सरकार को भी लोन देती थी, और आज तो लाले की दुकान बन गई है, कुछ बिक्री हुई बिजली की तो हमारे को तनख्वाह दे रहे हैं, नहीं हुई तो फिर बिजली बोर्ड के हाथ खड़े हैं, आज परिस्थितियाँ ही आई है। और ये परिस्थितियाँ किस वजह से आई है, परिस्थितियाँ सिर्फ इसलिए कि हमारा जो मैनेजमेंट बैठा हुआ है, बोलने को तो मैनेजमेंट है लेकिन वो इस टाइम किसी कगार पे भी खड़ा नहीं है और अपनी जो उनका दायित्व था उस पर वो खड़ा नहीं उतर रहा है। वजह ये है, अगर परिस्थितियां मैनेजमेंट पहले की स्थिति और आज की स्थिति को भी कंपेयर करें
तो उनको पता लगेगा कि पहले बिजली बोर्ड क्यों प्रॉफिट में था, आज क्यों घाटे में है। लेकिन ऐसा कुछ कोई नहीं करते हैं, सबका अपना पर्सनल इंटरेस्ट है हमारे मैनेजमेंट में, तो कि भाई अपना जो भी बन रहा है वो ठीक है। तो आप लोगों से तो एक ही अपील है कि सबसे पहले तो हमारे को संगठित रहना है, सिर्फ थोड़ा सा अपनी सोच को बदलना है हमने। तकनीक जहाँ लग गया, तकनीकी कर्मचारियों के कंधे पे बिजली बोर्ड का सारा दारोमदार है, हम लोग अपने दायित्व से छूट भी नहीं सकते हैं। चाहे समस्याएं तो चली रहेगी, समस्याओं के निदान के लिए हम लोगों को संगठित रहना पड़ेगा, क्योंकि आज की जो परिस्थिति है ये बहुत ही आने वाले समय में तकनीकी कर्मचारियों के लिए और भी कठिन परिस्थितियां आ रही है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी रात दिन जूझ रहे हैं, ये तो फाउंडर भी रहे हैं, कि भाई इस संगठन को किस तरह से खड़ा किया गया है वो तो खैर ये ही बताएंगे, लेकिन जितने मेहनत ठाकुर साहब कर रहे हैं इसके लिए ये सबसे पहले तो बधाई के पात्र तो हैं ही हैं। हम लोगों के लिए मार्गदर्शक रहे हैं एक, हम लोग तो किस्मत के धनी है कि हमारे लिए एक बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म बना के इन्होंने दिया है। तकनीकी कर्मचारी नंबर वन संगठन है अभी प्रदेश के अंदर विद्युत तकनीकी कर्मचारी का है, तो ये भी केंद्रीय कार्यकारिणी हमारी मजबूत तर रहेगी जब हमारी छोटी इकाइयां आपस में मजबूत रहेगी। तो अपना तालमेल भी बढ़ाना है, अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाना है। ये मत समझना कि भाई बाबू लोग हमारे को गुमराह बहुत करते हैं, मैं भी रहा हूँ, हमारे को भी गुमराह करते थे, फील्ड स्टाफ को सबको गुमराह करते हैं, बाबू लोग थोड़ा दबका मारेंगे, हम लोग थोड़ा स्ट्रेस हो जाते हैं उसमें। लेकिन हमको ये समझना होगा सिर्फ अपने आपको, अपना कॉन्फिडेंस बनाना है कि वो बाबू लोग जो बैठाए हुए हैं दफ्तर में वो हमारे काम के लिए बैठाए हुए हैं, उनका काम वो है, उनकी तो तनख्वाह हमारे से निकल रही है। इस चीज़ को आप लोगों को समझना है। बाकी अपना दायित्व तो वैसे भी तकनीकी कर्मचारी अपने जान को जोखिम में डालकर ही निभा रहे हैं, उसमें कोई संशय वाली बात है नहीं है। तो जो भी आपकी कार्यकारिणी बनी है तो मैं आग्रह करूंगा कि भाई आप लोकल तो जो भी आपकी समस्या है, चलो समस्याओं के निदान के लिए जो तो हायर लेवल की है वो तो हमारे ठाकुर साहब ऐसे भी बैठे हुए हैं, आपके जो डिवीजन लेवल की है वो तो यहीं सॉल्व होगी। अगर उसमें प्रॉब्लम आती है आप हमारे को बोलो, जिला इकाई इसके हर जगह बने हुए, जिला इकाई को आप सूचित करो। हमारे बस से भी नहीं होगा तो हमारे ठाकुर साहब तो वैसे भी रात दिन 24 घंटे ये अवेलेबल रहते हैं, और जितनी भाग दौड़ ये कर रहे हैं तो शायद ये अभी तक हमने देखा तजर्बा तुम्हारे को भी बहुत हो गया बिजली बोर्ड ज्वाइन करके, लेकिन इतनी भाग दौड़ किसी ने की नहीं है। तो आप लोगों का मैं फिर से धन्यवाद भी करूंगा कि आप लोगों ने ये आयोजन किया, बड़ी सफल बैठक की हुई और प्रदेश अध्यक्ष जी हमारे मध्य पधारे, ये सबसे बड़ी बात है। धन्यवाद। नव निर्वाचित प्रधान अरुण ठाकुर जी, आनी इकाई के प्रधान टीकानंद शर्मा जी, स्थानीय इकाई के प्रधान श्री संजय चौहान जी एवं सचिव प्रदीप कुमार जी, वह सभी ऑफिस बीरर्स एवं तकनीकी कर्मचारी साथियों, सर्वप्रथम तो मैं आपका बहुत ही धन्यवादी हूँ कि आपने जो है एक तो ठाकुर जी जो यहाँ पर संगठन बना इसमें हमारा कोई प्रयास नहीं रहा, इन्होंने खुद ही जो है अब आपस में बातचीत करके जो है मुझे फोन किया कि कहते आप आइए, हमने जो यहाँ पर जो है इकाई स्थापित करनी है, इसके लिए बहुत बधाई के पात्र हैं। और ये काफी समय के बाद बनी हुई है, मुझे तो याद आता कि मेरे ख्याल में 2002 के बाद शायद बनी होगी। बाकी साथियों, आपने प्रदेश अध्यक्ष से रूबरू होना था तो अपने चौहान जी ने कहा था कि ये जब वो आए तो जरूर मिलाएं, तो मुझे संडे को ही फोन किया था शायद, हाँ संडे को ही, कि और मैं ठाकुर से बात की थी जब कुमार सिंह आ रहे तो आप नोगली का भी प्रोग्राम बनाइए, तो फिर उन्होंने कहा कहते हैं मुझे वापस भी जाना है, मैं कहा आप थोड़ा सा समय निकाल दें तो ठीक रहेगा। और इन्होंने उसके बाद जो है आपका जो अरे क्या कहते हैं निमंत्रण जो है वो स्वीकार किया, इसके लिए मैं ठाकुर जी का बहुत बहुत धन्यवादी हूँ। और पूरी जो केंद्रीय कार्यकारिणी की जो तैयारी है और बाकी हमारे जो आसपास के यूनिट के प्रधान वगैरह आए हैं इनका भी मैं काफ़ी स्वागत करता हूँ। जहाँ तक बात रही संगठन की, उत्तम जी ने बड़ी डिटेल्स बता दी अपने भाई
सुरेंद्र शर्मा जी ने भी काफ़ी डिटेल में आपको बात बताई। आप लोग तो वैसे भी काफ़ी कर्मठ हैं, आपको तो कह रहे इतने समझाने की जरूरत भी नहीं है। आपने तो एक्टिविटीज़ ही बड़ी जल्दी जो है शुरू कर दी, बैठते ही आपने जो डिमांड चार्टर एक अपने एसटीओ क्या जो आपने आरएआरई को या एसटीओ जो भी दिया, वो तो अभी एसटीओ साहब दौड़े दौड़े आए थे और पूरा डिमांड चार्टर डिस्कस भी कर गए। यहाँ बात जो आपका एक सेंट्रल बॉडी के लिए डिमांड चार्टर दिया है, ये जो है पूरा डिमांड चार्टर जो है, मैं पढ़ रहा था इसको, ये जो है हमने ऑलरेडी जो है बोर्ड को सबमिट किया है और बोर्ड के जो है 25 तारीख की जो हमारी ऊना की बैठक थी उसमें जो है हमने जो है 15 दिन का टाइम बोर्ड को दिया है कि वो हमें वार्ता के लिए बुलाए और पिछली जो डिमांड्स हैं एक्सेप्टेड डिमांड हैं उनके जो है नोटिफिकेशन जारी करें। अगर नहीं होता है तो उसके बाद जो है 15 दिन के बाद जो भी हमारा अगला कदम प्रदेश अध्यक्ष महोदय की अनुमति से होगा उसके लिए आप लोग भी तैयार रहें, हमें भी तैयार रहना होगा, क्योंकि तभी होगा, क्योंकि बिजली बोर्ड में जो ऊपर मैनेजमेंट में बैठे हैं इनका यही काम है कि कागज को दबा के रखो, कुछ का भी वहां पर है क्योंकि साथी तत्व तो बैठे हैं कि चलो उनके बारे में भी होगा। तो आप लोगों से सिर्फ एक ही से मतलब निवेदन करना चाहूंगा कि जब भी केंद्रीय कार्यकारिणी की कोई कॉल आए या कोई डायरेक्शन आए उस पर आप अमल करें। बाकी आपने आज का जो आयोजन किया है इसके लिए मैं आप सभी कर्मचारी का जो है बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय जय तक की वो अपने सम्मान के योग्य मंचासीन प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल ठाकुर जी, प्रदेश में मेरे वरिष्ठ सहयोगी मेरचंद वर्मा जी प्रदेश उपाध्यक्ष, प्रदेश संगठन मंत्री भाई पूर्णचंद वर्मा जी व उत्तम जी, जिला शिमला के अध्यक्ष सुरेंद्र शर्मा जी और अभी हाल ही में आज के दिन नवनिर्वाचित कुमार सेन यूनिट के अध्यक्ष भाई हरवंश ठाकुर जी, आनी यूनिट के अध्यक्ष टीकानंद शर्मा जी व इस नोगली यूनिट के समस्त तकनीकी कर्मचारी बंधुओं व हमारे बीच में मातृशक्ति के रूप में बहन कुंता जी, सर्वप्रथम मैं आप लोगों का आभारी हूँ कि आपने प्रदेश नेतृत्व को यहाँ आने का मौका दिया, इसके लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। मित्रों, मैं इसलिए भी अपने को सौभाग्यशाली समझता हूँ क्योंकि जो बिजली बोर्ड का मूल रूप जहाँ से बिजली का उत्पादन शुरू होता है उस स्थान पर मैं पहली बार आज किसी सभा में, इसके लिए मैं आपको पुनः धन्यवाद देता हूँ क्योंकि जनरेशन विंग में प्रथम बार आज बैठने का मौका मिला। जो हम सीधी मैं ज़्यादा बातों को घुमाने फिराने में विश्वास नहीं रखता क्योंकि जनरेशन विंग की बहुत सी समस्याएं शायद हमारे समझ से भी परे रही हैं क्योंकि आपकी जो कैटेगरी जो श्रेणी है उसका भी हम इतना विधिवत रूप से विश्लेषण या उसका अध्ययन नहीं कर पाए हैं। तो आज प्रयास करेंगे अभी बैठ के कि आपकी जो क्या क्या कैटेगरियाँ होती है उनमें भी थोड़ा एक अध्ययन करेंगे। तो इस नाते आज आपके बीच में एक बैठने का मौका मिला, इसके लिए मैं अपने को सौभाग्यशाली समझता हूँ। मित्रों, बहुत सी बातें मेरे से पूर्व के वक्ताओं ने संगठन के बारे में, डिमांड्स के बारे में सभी बातें आपके समक्ष बड़ी प्रमुखता से रखी। आपके अध्यक्ष जी ने भी बहुत सारी समस्याएं और बड़ी बखूबी रखी हैं और मैं बधाई देता हूं। अभी हाल ही में आपके नवनिर्वाचित जो यूनिट सचिव हैं शायद आज पहली बार मंच का संचालन कर रहे हैं, तो इनको भी मेरी तरफ से कोटि कोटि बधाई है कि इतना सफल संचालन कर रहे हैं। क्योंकि जो नया कार्यकर्ता होता है उसको जो आप श्रोता हैं हम मंचासीन हैं तो हमारे को थोड़ा प्रोत्साहन करना चाहिए ताकि इनका एक मनोबल बना रहे और आगे को बड़े खुल के बात करें। तो मेरा अनुरोध इतना ही है कि आप
बिना झिझक के अपने लोग हैं, इतने थोड़े से लोगों में बोलेंगे, खुल के बोलेंगे, फिर बहुत सारे लोगों के बीच में आप बड़े खुल के बोलने का प्रयास कर सकते हैं। तो आपके लिए बहुत 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 बधाई का मैं वो देता हूँ। मित्रों, ज़्यादा लंबी बात नहीं करूँगा क्योंकि मेरे ख्याल ज़्यादा समय प्रदेश अध्यक्ष जी को देना चाहिए, और बड़ी लंबी बात करेंगे। और बहुत मैं थोड़ा जहाँ भी जाता हूँ कि डिमांड्स के बारे में मैं हमेशा कहता हूँ कि जो डिमांड्स का कार्यक्षेत्र रहता है, जो प्रदेश का नेतृत्व कर रहे हैं महामंत्री के रूप में और प्रदेश अध्यक्ष के रूप में, उनका विश्लेषण वो अंत में आपके समक्ष करेंगे। मगर जो संगठन के नाते हमारी क्या ड्यूटीज है, उनमें थोड़ा सा मैं आपके ध्यान में कई चीज़ें जहाँ भी जाता हूँ बोलने का प्रयास करता हूँ। मित्रों, संगठन को मूर्त रूप देने के लिए हमारे को जहाँ से शुरू काम करना पड़ता है, उसमें सर्वप्रथम हमारे को कार्यकर्ता का निर्माण करना पड़ता है। कार्यकर्ता के नाते मतलब एक मेंबर हमारे को बनाना पड़ता है। तो कार्यकर्ता डेवलप करने के लिए कार्यक्रमों की आवश्यकता पड़ती है। कार्यक्रम बैठकों के रूप में होते हैं, धरनों के रूप में होते हैं, संघर्षों के रूप में होते हैं। तो कार्यकर्ता जहाँ तक हमने जो संगठनों का अध्ययन किया है, उस अध्ययन के माध्यम से पाया है कि कार्यकर्ता का जो सफल निर्माण है वो संघर्ष के माध्यम से ही प्राप्त होता है, और संघर्ष से जो कार्यकर्ता निकलता है मजबूत कार्यकर्ता के रूप में वो प्रतिनिधित्व किसी भी संगठन का कर सकता है। मगर अभी हाल ही के वर्षों में ट्रेड यूनियन का स्वरूप भी बदला है और कार्यकर्ताओं के निर्माण की प्रक्रिया भी चेंज हुई है, क्योंकि संघर्षों का समय 2000 के बाद मेरे ख्याल संघर्ष बहुत कम हुए। ठीक है, तकनीकी कर्मचारी संघ ने पिछले 5 वर्षों में 2-3 संघर्ष किए, बाकी प्रदेश हिमाचल प्रदेश में मेरे को भी 30 साल बिजली बोर्ड में नौकरी करते हुए 91 के बाद शायद ही बहुत कम संघर्षों का काल रहा है। तो उस नाते कार्यकर्ता का निर्माण जो संघर्षों के माध्यम से था वो विलुप्त हो गया है। अब दूसरा जो क्षेत्र बचता है, कार्यकर्ताओं का निर्माण कैसे हो और कहाँ से कार्यकर्ताओं को डेवलप किया जाए, तो उस नाते तकनीकी कर्मचारी संघ ने राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय मजदूर संघ से अपनी संबद्धता ली, और भारतीय मजदूर संघ की जो रीति नीति है उसके अनुरूप काम करने का बेड़ा उठाया, और बहुत बखूबी आज की डेट में पूरे प्रदेश में हम भारतीय मजदूर संघ की रीति नीति के अनुरूप काम कर रहे हैं। इसके लिए आप सब लोग बधाई के पात्र हैं और आगे प्रयास करेंगे, इसको बड़ी अच्छे तरीके से निर्माण करेंगे। तो भारतीय मजदूर संघ की जो कार्यकर्ता डेवलप करने की एक प्रथा है वो है अभ्यास वर्ग यानी कि ट्रेनिंग कैंप। तो हम क्या अपने जिला में कुछ सिलेक्टिव कार्यकर्ता, जैसे जिला शिमला से 30-35 जो अच्छे कार्यकर्ता हैं उनका चयन करके एक कैंप करें, प्रदेश का नेतृत्व उस कैंप में आए ताकि उन कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन हो, और दूसरे भारतीय मजदूर संघ के क्षेत्र से कुछ सरकार की तरफ से जो विषय वहां डिस्कस किए जा सकते हैं वहां पर 1-2 दिन का जो ट्रेनिंग कैंप है वो चलाया जाए, ताकि उस माध्यम से अब कार्यकर्ता का निर्माण की एक प्रक्रिया जो सुलभ भी है और काफ़ी प्रभावी भी है, क्योंकि उस माध्यम से जो कार्यकर्ता आएगा बड़ा सूझबूझ वाला कार्यकर्ता होगा। क्योंकि पूर्व में जो एक संगठन प्रदेश में खासकर बिजली बोर्ड में चला करता था, वो संगठन विध्वंसक गतिविधियों में ज़्यादा विश्वास रखता था और विध्वंसक गतिविधियों में हमारे जैसे लोगों को झोंकता था, तकनीक कर्मचारियों को लाइनों को तोड़ने की जिम्मेदारी देनी और प्रदेश की और देश की जो संपत्ति है उसको नुकसान का दायित्व देना, और हम लोग भी उसमें बढ़ चढ़ कर भाग लेते थे। मगर आज की डेट में तकनीकी कर्मचारी संघ जब से बना है, तकनीकी कर्मचारियों की सोच बहुत बदली है और वो राष्ट्र के बारे में, देश प्रदेश के बारे में और अपने जिस संस्था में बिजली बोर्ड में हम काम करते हैं उसके हित के बारे में भली भांति जानते हैं। ये ठीक है कि संघर्ष के बिना कोई भी संगठन आगे नहीं बढ़ सकता, मगर पहला जो तकनीकी कर्मचारी संघ का प्रयास रहता है वो हम एक
रिस्पॉन्सिबल कॉपरेशन के नाते आगे बढ़ते हैं, पहले टेबल टॉक का विश्वास रखते हैं। अगर मैनेजमेंट उस रिस्पॉन्सिबल कॉरपोरेशन में विश्वास नहीं रखती, संघर्ष में विश्वास रखती है, तो निस्संदेह तकनीकी कर्मचारी संघ उस संघर्ष से भी पीछे नहीं हटने को तैयार रहता और बड़ी तत्परता से मजबूती से उनका मुकाबला पिछले दिनों में किया और आने वाले समय में भी बखूबी किया जाएगा, बशर्ते आप लोग डटकर तकनीकी कर्मचारी संघ के साथ हमेशा तत्परता से खड़े रहें। तो ज्यादा समय नहीं लूंगा, इन्हीं दो चार बातों का आपसे चर्चा करने का मन था, चर्चा की, और मैं पुनः एक बार आप लोगों का आभारी हूँ कि आपने मुझे बड़ी उससे सुना, और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद, जय।